Hey guys, this is Neil and welcome back to my YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी सिलेरियो के बारे में। सिलेरियो की कीमत लगभग शुरू हो जाती है 4.46 लाख से, जो कि इसका बेस वेरिएंट LXi है, और इसका जो टॉप वेरिएंट है वो लगभग आपको पड़ेगा 5.72 लाख रुपीस में, जो कि एक शोरूम प्राइस है। कार देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, सेगमेंट काफ़ी खूबसूरत सी अपीलिंग देती है, और ये मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है तो आफ्टर सेल सर्विस के मामले में भी ये कहीं ना कहीं और प्रोडक्ट से बाकी कहीं ज़्यादा बेहतर है। और बाकी हम कार के लुक्स के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी हाई प्लीजिंग लुक है यहाँ की तरफ। यहाँ के और फ्रंट में हेलोजन दिए गए हैं जो कि काफ़ी रेगुलर से है, और साथ ही में यहाँ पर नीचे फॉग लैम्प की प्लेसिंग के लिए जगह दे रखी है, लेकिन इस वाले या फिर किसी भी वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ ZXi के साथ आपको मिलता है। सिलेरियो डीजल भी आती थी लेकिन वो थोड़ी समय बाद ही डिसकंटिन्यू हो गई, लेकिन ये वाली जो है वो है 1000cc के अंदर। और अगर हम कार के अंदर की तरफ देखें तो कार में आपको मिल जाता है ड्यूअल टोन इंटीरियर, जो कि काफ़ी ज़्यादा आई प्लीजिंग है, एंड काफ़ी छोटी होने के बावजूद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा 10 स्पेस आपको मिल जाता है। और ओवरऑल अगर मटेरियल क्वालिटी की बात करूँ तो थोड़ी बहुत बेटर हो सकती थी। और अब यहाँ की तरफ लीवर दिया गया है, इसमें 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आता है और साथ ही में AMT का ऑप्शन है। यहाँ की तरफ डोर पैनल की अगर मैं बात करूँ तो डोर पैनल में फैब्रिक के साथ साथ प्लास्टिक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, फैब्रिक थोड़ा ही है जहाँ भी हाथ रखने की जगह, और डोर पैकेट के साथ आपको स्पीकर की जगह आपको मिल जाती है। और कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से इंटीरियर कार का, तो अब चलते हैं इसके रियर साइड पर। और डोर काफ़ी वाइडली खुलता है इसका, और अगेन यहाँ पर भी आपको बॉटल और मैगजीन होल्डर की थोड़ी बहुत जगह है। एंड यह है इसकी बैक सीट, ये चार लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, लेकिन पांचवा अगर आप बैठा तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और यहाँ पर है एक और सिलेरियो जो कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, जो कि अपने थोड़े बहुत जेन्युइन पार्ट्स लगवाने के लिए आई हुई थी। यहाँ की तरफ अगर मैं इस कार में थोड़ा सा कुछ अलग मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर इसकी जो भी फ्रंट से बम्पर है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, और अगर मैं इसके अंदर की तरफ चलूँ तो यहाँ पर एक टच स्क्रीन म्यूज़िक पैनल लगा हुआ है, जो कि अभी प्रॉबेबली इसके ओनर यहीं कहीं थे तो शो नहीं कर पाया मैं आपको। तो ये है कुछ इसके इंटीरियर्स ड्राइवर साइड से, और ये है 10 इंच का डिस्प्ले या फिर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इस वाले वेरिएंट में आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलते, और ये है VXi वेरिएंट। और यहाँ की तरफ कुछ आफ्टर मार्केट सिलेरियो की मैटिंग्स लगी हुई है, और अगर आप ZXi खरीदते हो तो आपको मिल जाएंगे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड रियर वाइपर विथ डिफॉगर। सो यही कुछ था सिलेरियो के बारे में, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, आप देख सकते हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, एंड कमेंट योर थॉट्स कि आप क्या सोचते हो इस सिलेरियो के बारे में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।